गांधी विचार मंच ने छेड़ी है मुहिम। मैं आपको बता दूं कि ये सामने जो शौचालय है यहाँ पर मात्र 3 मुतारी हैं, जहाँ पर यहाँ पे बहुत सारा क्राउड लगता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम या चाहे दोपहर, हर समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे, देखिए आप यहाँ पे अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई है, अंदर से 3 लोगों के ही मुतारी करने की व्यवस्था की गई है। ये परिसर है मालाड स्टेशन के पास का, जो मालाड के अंतर्गत में आता है। इसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर अस्थाई रूप से जो समाज सेवा के लिए काम करते हैं गांधी विचार मंच के अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता जी ने मुहिम छेड़ी। आइए इनसे हम जानते हैं इस मुहिम के बारे में। महात्मा विचार मंच की तरफ से पहले मैं बहुत गंदगी हुआ करती थी, सब लोग स्टेशन था तो परमिशन से लेकर इसको गार्डन बनाया गया। गार्डन के बाद में अभी ये देखा गया कि वो जहाँ कहने 20-25 आदमी की लाइन लगती है, मालानी मारवे और जो भी बस आने वाला है उसके लिए यहाँ आधा आधा घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो उसके हिसाब से मैंने कहा कि नहीं, इसको डबल करना चाहिए और ये काम आगे बढ़ाना चाहिए, इससे जनता की समस्या हल हो। आगे का एमएलए नहीं देख रहा है, ना एमपी देख रहा है, ना कॉरपोरेट पर ध्यान दे रहा है, इसलिए जनता को उस पर ध्यान देना चाहिए। और साफ सफाई हमारे धर्म में गांधी जी का पहला सिद्धांत था, सफाई स्वच्छता, और मोदी जी ने भी इस बात को माना है, तो हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये अभियान सफल होगा।